Hello everyone, this is Dr. D.K. Kaushik. Today I'm going to teach you the remaining part of the chapter, I Have a Dream, a speech delivered by Martin Luther King Jr. In the previous session, we talked about Martin Luther King Jr., the Montgomery bus boycott, his important works, and the sufferings of the black African Americans. वेल पिछले सेशन में आपने सुना था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने निग्रो लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया था. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने भाषण में क्या कहा था. आपको तो यह पता ही है कि यह भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहाँ दिया था. बोलिए. हाँ, लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर, जो कि वॉशिंगटन डीसी में अवस्थित है. तो आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था. सबसे पहला पॉइंट है 5 scores years ago. स्कोर का अर्थ है 20, 20. तो 5 scores का मतलब क्या हुआ? 20 में 5 से गुना कर लो, कितना हुआ? 100 ना. हाँ, तो यहाँ 5 scores years ago का मतलब है 100 वर्ष पहले. अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, इन हुज सिम्बोलिक शैडो वी स्टैंड, जिनकी सिम्बोलिक शैडो में, जिनकी सांकेतिक छाया में हम खड़े हैं. साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किया था. इमेंसिपेशन का मतलब है आज़ादी और प्रोक्लेमेशन का मतलब है घोषणा. तो यहाँ कहा जा रहा है कि 100 वर्ष पहले एक महान अमेरिकी, जिनकी छाया में हम खड़े हैं, जिनकी सांकेतिक छाया में हम खड़े हैं, ने आज़ादी की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था. ये बात किसके बारे में की जा रही है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, इन्होंने ही इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किया था, जो कि बाद में बेकार साबित हुआ, झूठा साबित हुआ अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए. चलिए आगे देखते हैं. दिस मोमेंटस डिक्री, मोमेंटस का मतलब है महत्वपूर्ण और डिक्री का मतलब है आदेश. तो दिस मोमेंटस डिक्री केम, यह महत्वपूर्ण आदेश आया, एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप, आशा की एक विशाल प्रकाश पुंज के रूप में, टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स, लाखों निग्रो प्रजाति के गुलामों के लिए, हु हैड बीन सीयर्ड, जिन्हें सीयर किया गया था, जिन्हें तपाया गया था, इन द फ्लेम्स ऑफ की ज्वाला में, किसकी ज्वाला में? ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, मतलब तितर बितर कर देने वाला अन्याय. विदरिंग इनजस्टिस का मतलब देखें क्या अर्थ हुआ, जिन्हें तपाया गया था विचलित कर देने वाले अन्याय की ज्वाला में. इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब है दिन की शुरुआत, और जॉयस का मतलब है आनंदकारी. तो यह एक आनंदकारी दिन की शुरुआत के रूप में आया था. टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, देखो कैप्टिविटी का मतलब है गुलामी, तो यहाँ क्या अर्थ हुआ? टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, मतलब गुलामी की लंबी रात को समाप्त करने के लिए आया था. तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं. बट 100 years later, लेकिन 100 वर्षों बाद, we must face the tragic fact that, हमें इस दुखद सच्चाई का अवश्य सामना करना होगा कि the Negro is still not free, कि निग्रो लोग अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं. 100 years later, 100 वर्षों बाद, the life of the Negro, मतलब निग्रो का जीवन,
इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड, अभी भी दुखद रूप से क्रिपल्ड है, यानी नष्ट है। कैसे? तो बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन या पृथककरण की जंजीरों से, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की जंजीरों के द्वारा। 100 years later, 100 वर्षों बाद, द निग्रो लिव्स ऑन ए लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, निग्रो रहते हैं गरीबी के लोनली आइलैंड पर, यानी एकांत द्वीप पर, इन द मिड्स ऑफ, के बीच में, किसके बीच में, तो अ वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब भौतिक समृद्धि के विशाल महासागर के बीच। यहाँ चर्चा की जा रही है कि अमेरिका एक काफ़ी समृद्ध देश है, लेकिन फिर भी इस समृद्ध देश में रहने वाले निग्रो लोगों का जीवन गरीबी से भरा पड़ा है। अब समझ में आया संभवतः आपको, तो चलो आगे देखते हैं। 100 years later, 100 वर्षों के बाद, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, निग्रो लोग अभी भी लैंग्विश कर रहे हैं, यानी पिछड़ रहे हैं, इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकी समाज के कोने में, एंड फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल, और अपने आप को निष्कासित पाते हैं, इन हिज ओन लैंड, अपने खुद के देश में। सो वी हैव कम हियर टुडे, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं, टू ड्रामेटाइज एन अपालिंग कंडीशन, एक अपालिंग कंडीशन को, एक भयावह स्थिति को ड्रामेटाइज करने के लिए, यानी नाटकीय रूप देने के लिए। अपालिंग का मतलब है भयावह, डरा देने वाली। तो चलो अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। इट इज ऑब्वियस टुडे दैट, आज यह ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि अमेरिका हैज डिफॉल्टेड, अमेरिका ने धोखा दिया है, ऑन हिज प्रॉमिसरी नोट, अपने इस वादे के नोट पर, यानी कागज पर, इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न, जहाँ तक इसके रंगीन नागरिकों का सवाल है। यहाँ रंगीन शब्द काले निग्रो लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया है। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, इस पवित्र ऑब्लिगेशन या उत्तरदायित्व का सम्मान करने के बदले, अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपल, अमेरिका ने निग्रो लोगों को दिया है, अ बैड चेक, एक खराब या घटिया चेक दिया है, विच हैज कम बैक, जो कि लौट कर आ गया है, मार्क्ड इनसफिशियंट फंड्स, मतलब इनसफिशियंट फंड यानी अपर्याप्त धन का मार्क लगाकर, यानी मुहर लगाकर लौट गया है। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में चेक के माध्यम से रुपये निकालता है, और अगर उसके अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं होती है, तो उस चेक पर इनसफिशियंट फंड का मुहर लगा दिया जाता है। ऐसे स्थिति में चेक धारक से बैंक के द्वारा जुर्माना भी वसूला जा सकता है। तो यहाँ मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण में कहते हैं कि अमेरिका ने 100 वर्ष पहले ही आज़ादी की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था, जो कि एक बैड चेक की तरह झूठा साबित हुआ। अब हम आगे पढ़ते हैं। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंक्रप्ट, कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देर आर इनसफिशियंट फंड्स, हम लोग ये मानने से इनकार करते हैं कि अपर्याप्त धन है। कहाँ? इन द ग्रेट वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, इस राष्ट्र के अवसरों के ग्रेट वॉल्ट्स में, यानी विशाल खजानों में। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए हम लोग इस चेक को भुनाने आए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भंजवाने आए हैं, है ना। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड, वह चेक जो हमें डिमांड करने पर देगा, मांगने पर देगा, क्या देगा? द रिचेज ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का धन, एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस,
न्याय की सुरक्षा देगा। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट, हम इस हैलोड यानी पवित्र स्पॉट, पवित्र स्थान पर इसलिए भी आए हैं कि टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिका को याद दिलाने के लिए ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, इस समय की उग्र आवश्यकता को याद दिलाने के लिए। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, यह समय नहीं है कि हम अपने आप को विलासिता की ठंडक में शामिल करें, एंगेज करें, और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, या फिर हम क्या लें, मन को शांत करने वाली दवाइयां लें। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोल्यूट वैल्यू ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब अब समय है कि हम पृथककरण की अंधेरी या निर्जन घाटियों से ऊपर उठें। कहाँ? तो टू द सनलाइट पाथ ऑफ रेसियल जस्टिस, मतलब सूर्य के प्रकाश से युक्त प्रजातीय न्याय की ओर, रेसियल जस्टिस की ओर। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, अब समय है अपने राष्ट्र को ऊपर उठाने का। फ्रॉम द क्यूकसैंड्स ऑफ रेसियल इनजस्टिस, मतलब प्रजातीय अन्याय की क्यूकसैंड्स से, यानी कि सूखी बालुओं से। टू द सोलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की ठोस चट्टान तक ऊंचा उठाने में। ठीक है, तो चलिए अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, यह राष्ट्र के लिए फैटल होगा यानी घातक होगा। टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, इस क्षण की आवश्यकता को ओवरलुक करना या नज़रअंदाज करना। एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो, निग्रो लोगों के दृढ़ निश्चय को अंडर एस्टिमेट करना या कम आंकना। क्लियर था ना? दिस स्वेल्टरिंग समर, यह तपती हुई गर्मी। ऑफ द निग्रोज लेजिटिमेट डिसकॉन्टेंट, निग्रो लोगों की वैध असंतुष्टि का। विल नॉट पास, समाप्त नहीं होगी। अनटिल देयर इज एन इनवाइग्रेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, मतलब जब तक फ्रीडम एंड इक्वालिटी यानी स्वतंत्रता और समानता की इनवाइग्रेटिंग ऑटम ना आ जाए, यानी इन्वैग्रेटिंग मतलब बल बढ़ा देने वाला, बलवर्धक ऑटम ना आ जाए, शरद ऋतु ना आ जाए। 1963 इज नॉट एन एंड, 1963 अंत नहीं है, बट अ बिगिनिंग, बल्कि एक शुरुआत है। दोज हु होप दैट द निग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम, वैसे लोग जो आशा करते हैं कि निग्रो लोगों को अपने स्टीम को ब्लो ऑफ, निग्रो लोग अपने स्टीम को ब्लो ऑफ कर देंगे यानी अपने उत्साह को समाप्त कर देंगे। एंड विल नाउ बी कॉन्टेंट, और कि वे अब संतुष्ट हो जाएंगे। विल हैव ए रूड अवेकनिंग, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, एक भद्दी जागृति होगी, एक रूड अवेकनिंग होगी। इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, यदि राष्ट्र सदा की भांति काज करने लगे। निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, निग्रो को उसके नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया है। द वर्ल्ड विंड्स ऑफ रिवॉल्ट, विद्रोह का बवंडर, वर्ल्ड विंड्स का मतलब होता है बवंडर, याद रखना है, वर्ल्ड विंड्स का मतलब बवंडर। हाँ, तो वर्ल्ड विंड्स ऑफ रिवॉल्ट विल कॉन्टिन्यू, मतलब विद्रोह का बवंडर जारी रहेगा। टू शेक द फाउंडेशन ऑफ अवर नेशन, हमारे राष्ट्र की नींवों को शेक करने में, हिलाने में। अनटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस, जब तक न्याय का सुंदर दिन प्रकट नहीं हो जाता है। आइए तो अब हम फिफ्थ पॉइंट में आते हैं।
बट देयर इज समथिंग, लेकिन कुछ है, दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, जिससे मुझे अपने लोगों को अवश्य कहना चाहिए. हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेसहोल्ड, जो कि गर्म थ्रेसहोल्ड यानी कि चौखट पर खड़े हैं. विच लीड्स इन टू द पैलेस ऑफ जस्टिस, और वो चौखट हमें कहाँ ले जाती है, तो जो कि कहाँ, न्याय के महल में ले जाती है. Leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, हमारे अधिकारपूर्ण स्थान को प्राप्त करने की प्रक्रिया में, we must not be guilty of wrongful deeds. हमें अपने गलत कार्यों के लिए दोषी नहीं बनना होगा, guilty नहीं होना होगा. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom. चले हम आज़ादी की अपनी प्यास को नहीं बुझाएं by drinking from the cup of bitterness and hatred. कैसे? तो bitterness यानी कड़वाहट और hatred यानी घृणा के कप से पी करके. तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ, आज के लिए इतना ही. बाकी भाग को हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं. Thank you very much.